टैली के फास्ट ट्रैक कोर्स में आपका स्वागत है। ये है मेरा अनएक्टिवेटेड टैली ईआरपी 9 का सॉफ्टवेयर, और आप लोगों ने भी अब तक डाउनलोड कर लिया होगा और इंस्टॉल कर लिया होगा टैली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर को। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा था, आज हम पहली चीज सीखेंगे वो है कंपनी कैसे बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए आपको जाना होगा वर्क इन एजुकेशनल मोड के अंदर। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, ये सिर्फ इसलिए है बिकॉज हमारा टैली रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ये रजिस्टर्ड होता तो मैंने आपको बताया था कि क्या ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। हमें तो वर्क इन एजुकेशन मोड पर ही एंटर करना है बिकॉज हम उसके अंदर सीखेंगे। अगर आप लाइसेंस खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, बट देर इज नो यूज बिकॉज अगर आपकी कंपनी है तो खरीदे, नहीं है तो आप मत खरीदे। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ शॉर्टकट्स भी अवेलेबल है, AVIC आप देख पाएंगे। दिस इज ए एक्टिवेट योर लाइसेंस, वी फॉर री एक्टिवेट योर लाइसेंस, आई फॉर गेट एन रेंटल लाइसेंस, सी फॉर कॉन्फिगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, लॉग इन एज रिमोट टैली डॉट नेट यूजर के लिए L दबाना है आपको, वर्क इन एजुकेशनल मोड के लिए आपको W दबाना है। यहाँ पे हर एक अल्फाबेट के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन भी दी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑल्ट के साथ W दबाए, सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है ऑल्ट दोस्तों, अगर आप ऑल्ट के साथ, ये देखिए सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है ऑल्ट और डबल अंडरलाइन का मतलब होता है कंट्रोल। तो अगर आप सिंगल अंडरलाइन अगर आप दबाते हैं तो सिंगल अंडरलाइन यानी कि ऑल्ट के साथ अगर आप W दबाते हैं तो आप सीधे उस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ L दबाऊं तो L ये होगा, अगर ऑल्ट L दबाऊं तो ये, मैंने ऑल्ट L दबाया तो ये होगा। तो सीधा जो चीज है, जो आपका ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं फिर से इसे एक बार एस्केप कर लूं। ये मैंने टैली के सॉफ्टवेयर को ओपन किया। टैली ईआरपी 9। आपको जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड में। अब आप ये दो चीजें लिख लें, सिंगल अंडरलाइन इज कॉल्ड ऑल्ट एंड डबल अंडरलाइन इज कॉल्ड कंट्रोल, ये दोनों चीजें आपको लिखनी है। उम्मीद है कि आप सब प्रॉपरली लिखते जा रहे हैं मेरे साथ। अब अगली चीज है, मैं एंटर करने जा रहा हूं। अब दो चीजें हैं टैली में, सबसे इंपॉर्टेंट बटन कौन सा है, विच इज कॉल्ड कीबोर्ड बटन। कीबोर्ड में टैली में सबसे इंपॉर्टेंट बटन जो है वो है एस्केप, जो ज्यादातर कैंसिल करने के काम में आता है, और एंटर है जो कोई भी ऑप्शन को एक्टिवेट करने के काम आता है। ये दो बटन आप लिख ले, एस्केप और एंटर। टैली पर मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं एंटर करूं तो वो ऑप्शन एक्टिवेट होगा, और अगर एस्केप कर दूं तो वो ऑप्शन बाहर आ जाएगा। क्रिएट, और ये मैंने एस्केप दबाया, ये एक ऑप्शन आया, एक और एस्केप दबाया और मैं बाहर आ गया। बैकअप पर मैं जा रहा हूँ, एंटर, और ये मैंने एस्केप दबाया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो ये दो बटन इंपॉर्टेंट है, एस्केप करना, क्विट, एंटर। अगर आप करना चाहें तो आप एंटर दबा दीजिए तो यस हो जाएगा, या NO दबा सकते हैं, या एस्केप भी दबा सकते हैं कैंसिल करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन है जो है एंटर और एस्केप, और अप डाउन एरोज भी आपको यूज करना है। अप डाउन एरोज की जो आपके ऑप्शन को अप एंड डाउन करने के लिए काम में आता है। यहां पर हम आज जो सीखेंगे वो है कि क्रिएट कंपनी कैसे करना है। देखते हैं अगले वीडियो में क्रिएट कंपनी कैसे होती है।